छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र खुटे। तो चले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी कल आएंगे बस्तर, चुनिंदा जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। जगदलपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को अपने विशेष विमान से दिल्ली से जगदलपुर आएंगे। जगदलपुर में 5 मिनट रुकने के बाद सेना से हेलीकॉप्टर से ओडिशा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे। यह जानकारी पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने दी है। भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही केदार कश्यप ने कहा कि समय कम होने के कारण प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा जगहों से ही एयरपोर्ट में मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ट्रांजिट विजिट पर बस्तर पहुंचेंगे। दिल्ली के विशेष विमान के द्वारा पीएम मोदी जगदलपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसके बाद मोदी हेलीकॉप्टर से ओडिशा के जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से जगदलपुर एयरपोर्ट वापस लौटकर विशेष विमान से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बहुत ही व्यापक तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया। आज पूरे देश में हम बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे कांग्रेस के लोग इसमें हमारे प्रवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कार्यक्रम है जो निवासी है उन लोगों को गुमराह करने की कर रहे हैं और इस बात को लोग समझ चुके हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से उन लोगों ने वनाधिकार पर कितने उन लोग हमारे प्रवास भाइयों को आज हमारी सरकार की तो हम लोगों ने इतने व्यापक तरीके से संज्ञान को चलाया। प्रत्येक समुदाय जो वनाधिकार पत्र की पात्रता रखता है उसको मिलने की संभावना है उसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया और उसके साथ में हम लोगों ने उनको वनाधिकार पत्र भी दिया। कांग्रेस के लोग वनवासी भाइयों के पक्ष में कब खड़े हुए? वनवासी भाइयों को यदि वनाधिकार पत्र के जरिए की बात करें तो कभी उन्होंने गंगा जमीन के लिए कभी उन्होंने लड़ाई भी नहीं। 31 तारीख एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसके माध्यम से उस सीधा संवाद करेंगे हमारे सभी देश के लगभग 500 जिलों के मुख्यालय में लोगों के साथ में और लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लोगों के साथ में सीधा संवाद करेंगे। पूरे देश भर में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग इसको देखेंगे और उसी परिवेश में हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो 6 जिले आते हैं इस 6 जिले में भी हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है और इस व्यवस्था में हमारे सभी स्थानों पर हम